एक और नया दिन और एक और नई वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में कोई गाड़ी के ऊपर या मॉडिफिकेशन के ऊपर नहीं है, कहीं घूमने चलते आज। ठीक है, आज कहीं घूमने चलते। ऐसे कोई प्लान फिक्स नहीं था मेरा, एक दोस्त आने वाला था लेकिन उसने अचानक प्लान कैंसिल कर दिया, तो मैं सोचा ठीक है चलो कोई नहीं, हम अकेले ही चलते। पर फिर मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया क्योंकि किसी के पास टाइम हो ना हो। आज तो संडे है लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन नहीं किया। मैं सोचा अकेले चलते आज अपने आप के साथ चलते। अरे आंटी, आज अपने आप के साथ चलते चलो। तो मैं सोचा कि एक बार लास्ट में महात्मा मंदिर गए थे, कोविड लॉकडाउन के जो पहला लॉकडाउन लगा था तब, तो वो बंद था। तो सोचा आज दोबारा एक बार मुलाकात ले लेते। ठीक है, सो हम जा रहे हैं गांधीनगर। गांधीनगर में कई बार गए लेकिन वो महात्मा मंदिर में कभी गया नहीं, इसलिए इस बार थोड़ा महात्मा मंदिर घूमाते। ठीक है, सो फाइनली आ चुके हैं रिंग रोड पे। छोड़ो उनको इधर से, अरे ना बड़ा इंजन होते हुए भी बंद हो गई यार, धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा। सॉरी पर आपको क्या है, एसी की तरह विंड नॉइस आ रही होगी लेकिन क्या करूं यार, गर्मी इतनी है ना कि बाहर निकलेंगे ना तो ऑमलेट बन जाएगा हमारा। सो आपको थोड़ा वेंट इस तरफ कर देता हूं ताकि आपको विंड नॉइस सुनाई ना दे। तो अभी रिंग रोड अहमदाबाद का रिंग रोड कई बार दिखा चुका हूं अपने वीडियो में। चलते हैं अभी महात्मा मंदिर गांधीनगर की ओर। ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड भी रोड अच्छा ही है लेकिन वहाँ पे थोड़ा दो तीन लोग थे आगे, तो मैंने सोचा इस तरह से चलते भाई, हमको तो जाना ही है इस पे आया इस पे, दोनों रोड तो एक ही है। हाँ लेकिन ये गांधीनगर तक नहीं जाता है, वो बात अलग है। तो गांधीनगर के लिए मुझे अभी गूगल मैप फिर से लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यार एक बहुत चीज़ जो है आपको मैं जल्दी दिखाऊंगा, ये विंटेज। यहाँ पे यार ये विंटेज है, ओल्ड कार जो पुरानी कार होती है जो राजा महाराजों के पास थी वो गाड़ियाँ इधर इधर। तो एक दिन आपको जैसे ही मौका मिलेगा आपको दिखाने का ज़रूर दिखाऊंगा यार। मुझे भी बहुत, मैं भी कभी एक भी बार नहीं, यहाँ इतने टाइम से रहता हूँ फिर भी मैं कभी नहीं गया, तो मौका मिलेगा तो हम ज़रूर वहाँ पर जाएंगे और मैं आपको भी गाड़ियाँ दिखाऊंगा। ठीक है, सामने से इतनी तेज आ रही है कि मुझे कैमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। अभी तक तो हम रिंग रोड पे ही है, मैंने गूगल मैप लगाया है, इसमें रिंग रोड भी दिखा रहा है। अभी शायद नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट पे क्रॉस रोड पे मुड़ना है राइट की ओर। सो अभी तो रिंग रोड पे ही चल रहा है। अभी तो यह दूसरा यार टोल टैक्स है लेकिन हमको यहाँ पे टोल टैक्स नहीं पे करना क्योंकि सिर्फ यह कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए यहाँ पे टोल टैक्स होता है, हमको नहीं पे करना है। और साबरमती नदी दिखाता हूँ मैं आपको अहमदाबाद की, देखो पानी तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे रिवर फ्रंट नहीं है ना, इसलिए रिवर फ्रंट जाता तो वहाँ पे पानी होता। लास्ट टाइम आपको दिखाया था, पता है ना आपको, जब मीटअप रखा था, मीटअप क्या यार, रीयूनियन थे हमारे कॉलेज के दोस्तों का, तब ठीक है लेकिन अभी काम चलता है। पानी गर्मियाँ चल रही है तो शायद पानी नहीं है इसमें, इसलिए। तो ये आ गया क्रॉस रोड और यहाँ पे हमसे मुड़ना है राइट की ओर। और ये रास्ता सीधा जाता है गांधीनगर की ओर। और गांधीनगर के जो रोड है ना भाई, एक नंबर रोड, मतलब हाथ में नहीं रहती गाड़ी भाई, इतने अच्छा रोड है इसके। अरे यार ये ट्रैफिक अंकल, पुलिस वाले अंकल नहीं खड़े इधर, खड़े नहीं नहीं खड़े भाई, फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो शायद नहीं होंगे, वरना तो आके ले लिए, साइड में लीजिए पहले, और कुछ बात नहीं। ठीक है चलो, देखिए भाई रोड देखिए, एक नंबर रोड है भाई, एक नंबर। हाँ ये बात अलग है कि जो एयरपोर्ट अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है और गांधीनगर में जो रोड से, सॉरी गांधीनगर का जो मिनिस्टर जो रहते, मिनिस्टर का जो है विधानसभा, ठीक है, तो वो यहाँ से वो गाय, वो सिर्फ एक ही रोड है जो इधर गांधीनगर की ओर जाता है। सो ये रोड अच्छा है, ये रोड अच्छा है वैसा नहीं है,
गांधीनगर की सब रोड एक नंबर है भाई, सब सब रोड। मैं एक बार नहीं जा रहा, कई बार घूम चुका हूँ गांधीनगर, लेकिन ये सब रोड एक नंबर है भाई। पेट का पानी तक नहीं मिलता इस रोड पे। और गाड़ी तो आप मतलब यहाँ पे इंटरसेप्टर खड़े रहते हैं कभी कभी, सो आराम से और तेज नहीं चल सकते इसलिए, क्योंकि यार पुलिस वाले खड़े तो रोक लिए तो 1,000-2,000 का चालान कट सकते। एक क्रॉस रोड पहले मैं मुड़ गया तो अभी आगे भी एक दो अंकल ने बोला है कि आगे निकल सकते हो महात्मा मंदिर, तो देखता हूँ कहाँ पर है। ठीक है, देखो भाई गूगल मैप भी कभी कभी धोखा दे, गूगल मैप भी धोखा नहीं दिया, मैंने अपने आप को धोखा दिया भाई। क्योंकि तो मैंने गूगल मैप पर देखा नहीं, ऐसे सीधा इस तरफ मोड़ लिया। ओ यहाँ पर ही देखो कैमरा, देखो कितना जस्टिस कर रहा है बात पता नहीं, लेकिन यहीं पर है। देखो मामा खड़े हैं इधर, पुलिस वाले अंकल खड़े, तो कैमरा नीचे। फाइनली आ चुके हैं महात्मा मंदिर की ओर, ये इसका ब्रिज है महात्मा का। ठीक है चलते हैं, कहाँ से अंदर जा सकते हैं। अभी भी मुझे भीड़ दिख नहीं रही यार, अभी भी बंद है क्या? देखो कोई भी नहीं दिख रहा, चालू है कि बंद है भाई, पूछना पड़ेगा नहीं तो फिर से कट जाएगा हमारा। तो पूछना पड़ेगा हमको कहाँ जाना है भाई, किसको पूछेंगे। यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा है यार। आगे आगे चलते चलते हम कहाँ जा रहे हैं यार। भैया को पूछ लिया है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ देखने लायक नहीं है, जो वहाँ पे जो रोड के उसमें हमने देखा था बोर्ड, मैंने देखा था डांडी कुटीर में, वहाँ पे जो देखने वाला लायक है वो तो पूछा है। अभी चलो चलते जमीन को, क्या जाऊँ से कहते हैं यहाँ पे कुछ देखने लायक नहीं, यहाँ पे कुछ देखने लायक है सामने जाना पड़ेगा। हाँ दांडी कुटीर है ना, दांडी कुटीर लिखा है ना, हाँ वहां पे जाना, यहाँ बंद है यहाँ। चलो निकलते, भैया भी हम मेरी तरह कंफ्यूज ही थे। क्या करे भाई यार, पहली बार आया तो कट सकता है भाई, ऐसे ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी, चलते कहाँ जाना है मुझे सच में नहीं पता कहाँ जाना है। क्या टिकट काउंटर, टिकट वाले सिस्टम है यार, देखते पूछते वहाँ पे चले क्या है क्या नहीं क्या नहीं क्या नहीं। इतनी गर्मी हो रखी है भाई बार बार, विंड नॉइज भी आ रहा होगा आपको, इतनी मतलब जालिम गर्मी हो रही है भाई, जालिम गर्मी हो रही है। लॉक करने भूल गया गाड़ी को, लॉक कर दिया यहाँ से, कहाँ से अंदर जा सकते हैं। मतलब टिकट विकट सिस्टम है या वैसे ही वाला सिस्टम है, देखिए पूछते हैं चले, फिर पूछते फिर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाले अंकल ने बताया कि म्यूजियम का टाइम है 10 से 5, यहाँ तक मतलब 35 किलोमीटर यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ बंद हो गया। अभी फिर से कहाँ जाएंगे यार, कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे। ठीक है तो मैंने सोच रहा हूँ नर्मदा कैनाल हुआ हो, ठीक है नर्मदा कैनाल चलते हैं। ठीक है चलो 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 नर्मदा कैनाल, यहाँ पे बंद हो गया। इस बार का प्लान तो हमारा चौपट हो चुका है, सबसे पहले तो यार रोक के सीट बेल्ट लेना पड़ेगा यार, क्या चला गया सीट बेल्ट। चलो सीट बेल्ट ले गया, अभी कहाँ चलेंगे यार, मैं भी खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। चाचा बोल डिपर मार रहे हो यार, तुम पहले जाओ बस, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले तो यार चला हमें नर्मदा कैनाल दिखाना, जो इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल है। ठीक है यार, पुलिस वाले आंटी खड़ी, इसके मोबाइल नीचे। चलो फिर से आ गए हम जैसे थे वैसे। और मुझे ना सीरियसली नहीं पता था कि ये महात्मा मंदिर बंद,
वरना मैं यहाँ तक डीजल जला के 100 रुपए लीटर डीजल जला के आता ही नहीं। बड़ी जल्दी लगती है भाई, पर मारो फिर भी चले गए। सही से नहीं पता मैंने तो सिक्योरिटी वाले अंदर से उससे पूछा कि म्यूजियम मतलब महात्मा मंदिर, मुझे भी अभी पता चला महात्मा मंदिर जो है वो एक म्यूजियम, तो मंदिर में अंदर क्या मुझसे तो नहीं पता, तो उन्होंने बोला कि 10 से 5 घंटे तो नेक्स्ट टाइम वो आएंगे तो उसको देखते हैं। ठीक है, सुबह में यार निकलने में दिक्कत नहीं है, धूप हो जाती है तेज, मतलब ऐसा नहीं रेल हम तो धूप में घूमता हुआ, मेरा काम ही ऐसा धूप में घूमता हूँ, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है धूप में घूमने का। अब मैं आपको नर्मदा कैनाल ले चलता हूँ, नर्मदा कैनाल दिखाता हूँ आपको। चलो ये भाई, फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि महात्मा मंदिर से नर्मदा कैनाल घुमा के घुमाने लगी है। काट लिया हमारी ऑडियंस का मैंने। तो भाई फिर से अहमदाबाद की ओर मोड़ लिए, लेकिन अभी जो रास्ते में आएगा वो क्या नर्मदा कैनाल, वैसे तो यहाँ पे लेकिन वो गर्मियों की वजह से शायद अभी इसमें पानी नहीं होगा, शायद बोल रहा हूँ शायद हो भी सकता है भाई, नर्मदा कैनाल तो शायद हो भी सकता है। ठीक है, यहाँ पे ना यही इस रोड पे गांधीनगर गन्ने के रस वाले बहुत खड़े हैं, तो यहाँ पर आए यहाँ तक आई तो एक ग्लास पी के जाते हैं। ठीक है, चलो रुको एक मिनट, यहाँ दिख गया है इसलिए यहाँ पे रोकते हैं। एक ग्लास आपो ना। हाँ इस वाले में ना एक तो ये जो गन्ने का रस निकलने वाला उसको बहुत तो वरना तो मतलब क्या वो जनरेटर पे चलता है वो ऐसे घूमता है रस निकल रहा। आंटी भी बहुत मेहनत कर रही थी, तो आंटी भी दिख रही है, लेकिन अंकल बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली रस आ गया हमारे पास। ग्लास को बाहर नहीं फेंकते, इधर रख देते, बाद में हम जब रुकेंगे तब फेंक देंगे। फाइनली वहाँ से निकल चुके हैं, अभी मैं आपको सीधा सीधे नर्मदा कैनाल ही दिखाऊंगा। तो फाइनली 1000 साल बाद हम ये नर्मदा कैनाल पे आ चुके हैं। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे पानी भी बहुत सारा है भाई, बहुत सारा पानी इसमें देख, बहुत सारा पानी, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी भाई इतनी तेज गर्मी में यहाँ पे इतना पानी भी हो सकता है। यहाँ पे जो है तो ग्रिल लगी, आगे कुछ थोड़े हम आगे जाएंगे ना यहाँ पे ग्रिल्स नहीं लगे हो, फिर अच्छे से आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी सच में यार इसमें इतना, क्योंकि यहाँ पे नहाने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि नहाने से कई लोग मर चुके हैं, कई अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि इसमें जो है ना मतलब पैर धंसते चले जाते हैं अंदर, यहाँ पे जो भी गिरता है ना वो बाहर नहीं निकल पाए। वो कई बार मैंने किससे न्यूज़ पेपर में सुने कि अंदर जाए तो फिर वो बाहर ही नहीं निकलता है, मतलब तैरता हुआ तो बाहर आने चाहिए ना, वो तैरता हुआ भी बंदा मतलब जो प्रो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं प्रो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं ना, वही अंदर जाते हैं। हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें नहीं नाना है भाई, हम आपको सिर्फ दिखाएंगे। ठीक है, तो ठीक है चलो, सबसे पहले यार ये ग्रिल हटे, फिर हट गई है अभी, नहीं हटी है, चलो आगे चलते हैं। कैनाल तो बहुत लंबी है, लेकिन हमें उस तरफ जाना था, लेकिन उस तरफ वो सामने दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से नहीं जा सकते, हमें फिर इस तरफ से घूम के आगे से मतलब घूम के जाना पड़ेगा, वो सिटी से होके सीधी तरफ गांव से होके जाना पड़ेगा, लेकिन हमें उतना टाइम नहीं है, गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क कर रखी है, दिख रही है वो, वहाँ से हम घूम के ऐसे आए। और ये नर्मदा कैनाल ये जो डैम है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी गर्मी में यहाँ पर पानी होगा, पर वो दो भाई देखो इधर कभी आया कैमरा की जस्टिस करा, नीचे देखो बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब अमेजिंग नज़ारा भाई, बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे मैं खड़ा कभी नहीं हुआ ऐसे, मतलब पहली बार मैं भी यहाँ पर, मतलब देखी है दूर से कई बार लेकिन आया कभी नहीं हुआ पहली बार। ठीक है, पहली बार आया, मतलब समझ रहे हो ना यार, यहाँ से तो हम फोटो खींच सकते, अपनी सेल्फी से खींच ली हमने,
भी वहाँ से फोटो खींचनी है मुझे सेल्फी, ठीक है। चलो मेरा कुछ नया घूमने का प्लान था आप भी देख लो, वे भी देख लो, मेरा भी नहीं देखा है, वो भी आपकी तरह ही यार अभी आप भी घूमता ही था। चलो देखो यहाँ से आप एक बार नज़ारा देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वहाँ से हम जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कहाँ से जाए वो आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। चलो अगली बार चलेंगे, ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ से एग्जिस्ट करें। यहाँ पे इससे यहाँ इस रोड पे आगे जाऊँगा तो दोस्त का फार्म हाउस है, वो भी आपको जल्दी दिखाऊँगा। माइंड मत करना भाई, थोड़ा तुम भी एग्जिस्ट कर ले। मत भूलना सब्सक्राइब करना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।